1, 2, 3. लगता है इच्छा ने खाना बना लिया, अब जल्दी से इसे बिगाड़ देते हैं। नन्हा पिताजी, वक्त बहुत कम है, इससे पहले कि इच्छा खाना परोसे हम इसे बिगाड़ देते हैं। अगर तू मारा बेटा ना होता ना, तो मुट्ठी में दबोच के तेरा कचुंबर निकाल देता। अब जल्दी से मिर्ची डाल। कुर्सी? अरे कुर्सी की क्या जरूरत है, वैसे वक्त बहुत कम है, जो करना खड़े खड़े करो ना। और कुर्सी नहीं पिताजी, बोल रहे हैं मिर्ची मिर्ची मिर्ची। ये ले डिब्बा और ढेर सारी मिर्ची इसमें डाल दे। ना पिताजी, दादी कहती है कि किसी का खाना बिगाड़ने से पाप लगता है। आपका तू मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। पाप तो तब लगेगा ना जब कोई काम तू अपने मन से करेगा, और यो काम तो तू अपने मन से नहीं कर रहा है, मारे कहने पे कर रहा है ना, तो कर ले, डाल दे मिर्ची। ऐसा भी होगा? हाँ हाँ, डाल डाल। तो ठीक है, डाल 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 डाल। मेरे से ना होगा। डबल, तू तो मेरा बहादुर बेटा है, और तेरी शादी भी ना हुई। तू डाल। हाँ, डाल दो छोटे। डाल डाल, खोलने तो दो। हाँ डालो। ना पिताजी, मेरी अभी तक शादी ना हुई है, ये कांड मैं ना करूंगा। अगर गलती से मेरे पर पाप लग गया तो अपनी शादी को लेके मैं कोई रिस्क ना लूंगा। ये काम आप ही करो। देखो पिताजी, घूम फिर के बहादुरी आप ही को दिखानी पड़ेगी, आप ही डालो। अरे छोरे, तू तुम्हारा सबसे बड़ा बेटा है, सबल और बब्बल का बड़ा भाई, पहलवान प्रबल प्रताप सिंह, इसलिए यो काम तो तू ही करेगा। मेरे से ना होगा। ये चल रहा है या? इच्छा का खाना बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। कड़क, छुपने से कोई फायदा नहीं है, बाहर निकल, बता क्या चल रहा है। अरे माँ कुछ ना, बस हम तो ऐसे मजाक मजाक में टहलते हुए रसोई में आ गए थे। चलो भाई, अब अपने मजाक को बाहर लेके चलो। बाहर लेके चलते हैं। ये मजाक भी ले जाओ। ले लो भाई, ले लो। ले लो, ले लो। यूँ कैसे आ गया? आज प्रतियोगिता का पहला दौर। घर की सबसे छोटी बहू ने खाना बनाया। अब देखते हैं कैसा बनाया उसने। सब लोग खाना शुरू करो। इतना नमक, ये सब्जी इच्छा ने नहीं बनाई है, हो ही नहीं सकता, जरूर कुछ गड़बड़ है। खैर अब बात करने का कोई फायदा नहीं है, प्रतियोगिता तो वो हार ही गई है। चाची मुझे थोड़ा सा गुड़ दो ना, मेरा आज गुड़ रोटी खाने का मन कर रहा है। एमा, सब्जी में नमक कुछ ज्यादा ना है? इतना भी खास नहीं, क्यों खाया ना जाए। खाना तो बिगड़ गया ना, इच्छा तो ये प्रतियोगिता हार गई। प्रतियोगिता में सिर्फ नमक ही नहीं, नियत भी देखी जावे। इच्छा हारी है या जीती है, इसका फैसला तू नहीं, मैं करूंगी। गलती मेरी है दादी, मेरे हाथों खाना अच्छा नहीं बना, मैंने अन्न का अपमान किया है, उसके लिए आप मुझे। छोरी ऐसा नहीं कहते,
तू सब्जी ले जा, उसमें थोड़ा सा पानी डाल और नींबू निचोड़ दे, अपने आप नमक का असर कम हो जाएगा। जी दादी। इच्छा के हाथों कभी खाना बिगड़ता नहीं, तो फिर आज शायद टेंशन की वजह से, और अब दादी उसे कम मांग्स देंगी। पापा जी, आप खाने के बारे में सोच रहे हैं ना? नहीं नहीं इच्छा, वो मैं जानती हूँ। आज सबसे ज्यादा आपको बुरा लगा है, आपकी पत्नी आपका अभिमान है और आज उसी ने आपको शर्मिंदा कर दिया। I'm sorry, बबल जी, आज का खाना। अच्छा, खाने में कोई बुराई नहीं थी। हाँ, लेकिन एक बात है, इस सब का असर तुम्हारे मार्क्स पे जरूर पड़ेगा और मुझे इस बात का बुरा लग रहा है। बबल जी, मुझे इस मार्क वार से कोई फर्क नहीं पड़ता। खाना बिगड़ा जरूर था, लेकिन मैं हारी नहीं हूँ, जीत मेरी हुई है। वो कैसे? आपने देखा नहीं, खाना बिगड़ने के बाद भी सबने खाना खाया। हाँ, शुरू में थोड़ी आनाकानी हुई थी, लेकिन दादी जी के समझाने के बाद किसी ने एक भी शिकायत नहीं की। ये उनका मेरे लिए प्यार ही तो है बब्बल जी, मुझे इससे बड़ा और कोई खिताब नहीं चाहिए। इच्छा, तुम कमाल हो यार, हालात इतने खराब है, हर कोई तुम्हारे खिलाफ खड़ा है, लेकिन फिर भी तुम्हारी सोच जैसी थी वैसी ही है। बुरे में से अच्छा चुनने का तुम्हारा ही हुनर है ना, कमाल का है। और मैं बहुत खुशनसीब हूं कि तुम मेरी पत्नी हो। नसीब तो मैं भी हूँ बबल जी, मुझे आप जैसा पति और इतना प्यारा परिवार मिला है। लेकिन कोई है जो मेरी इन खुशियों को नजर लगाना चाहता है, चाहे जो हो जाए मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। सोच वाकू, कुछ सोच, क्या करें सुरसुरी का, कैसे रोके इसे? वही तो कर रहा हूँ, लेकिन ये फन की खिड़की खुली नहीं रही है। खिड़की? खुल गई वाकू। हैं? मेरे फन की खिड़की खुल गई। सुरसुरी को पकड़ने का एक रास्ता दिमाग में आ रहा है। क्या? देख वाकू, जब से सुरसुरी इस घर में आई है वो हमसे छिप रही है, छुप छुप कर बात कर रही है। एक बार वो हमारे सामने खुलकर आ जाए फिर। लेकिन वो खुलकर सामने आएगी क्यों? हम उसे मजबूर करेंगे बाकू, वो आएगी हमारे सामने, और वो भी जब हम चाहते हैं, जहां चाहते हैं वहां। अच्छा, सुरसुरी को दूध पी की सपोली है जिसे तुम मेंढक दिखाओगी और वो सर सर आती हुई चली आएगी? ऐसा ही होगा बाकू, तू बस देखता जा। अब इच्छा क्या करती है? अब क्या करूं, नाकामयाब तो हुआ हूं मैं, एक बाप होते हुए भी अपनी सपोली को रोक नहीं पाया। वो जिस तरह से इच्छा को तकलीफ दे रही है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि उसके शरीर में मेरा जहर दौड़ रहा है। तो अब हम सुसरी को कैसे रोकेंगे? वाकू, तू यहां, वहां पर सब ठीक तो है ना? वहां सब ठीक है, लेकिन सुरसुरी? उसी के बारे में तो बात करने आया हूं। क्या? इच्छा ने सुरसुरी से पीछा छुड़ाने की योजना बनाई है। ऐसी कड़क स्त्री करूंगी सारे कपड़ों की कि अम्मा जी भी ऐसे कड़क नंबर्स देगी मुझे। माँ जी, ये बब्बल जी के कपड़े रख दे। ये तो अम्मा जी का शिफॉन का दुपट्टा है,
इस पर कपड़ा रखकर प्रेस करती हो, वरना दुपट्टा जल सकता है। जा रही थी कि मेरे ध्यान गया कि दुपट्टा जल रहा है। झूठ बोल रही है तू। तूने जानबूझकर अम्मा जी का दुपट्टा जलाया ना, ताकि ये दुपट्टे के साथ साथ प्रतियोगिता जीतने का मेरा सपना भी जल जाए। ये क्या बात हुई? गलती आपने की और दोष मुझे दे रही है? आपने इसरी ठीक से रखी नहीं थी। मैंने इच्छा तू देखिए अम्मा जी, आपको बब्बल जी के कपड़े इसरी नहीं करने तो मत कीजिए, मैं कर दूंगी। लेकिन कम से कम ऐसा गंदा खेल तो मत खेलिए मेरे साथ। अरे ये इच्छा को क्या हो गया? कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा। मेरे सारे धोए हुए कपड़े गंदे कर दिए। ओ दीदी, अब आप खामखा मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मैंने कुछ नहीं किया, आप ही का ध्यान नहीं था। दिन में तारे देख रही थी आप। कोई तारे वारे देखने का शौक नहीं है, बस तेरा चेहरा नहीं देखना चाहती थी। अच्छा, तब तो गलती आपकी है। आपको देखकर चलना चाहिए था ना, मैं तो अपने रास्ते से जा रही थी। सॉरी दीदी, ना चाहते हुए भी मुझे आपसे, दरअसल हमें आपस में लड़ाना सुरसुरी का सबसे बड़ा हथियार है और मैंने वही हथियार उससे छीन लिया है। अब मैं उसी की चाल उसी पर पलट दूंगी। बस तब तक आप लोग जरा जानती थी बहुत जल्द तुम मुझसे मिलने आओगी। आना पड़ा। एक बात पूछनी थी, इतनी शांत संस्कारी सुशील इच्छा अचानक बिगड़ कैसे गई? आखिर चल क्या रहा है तेरे फन में? एक नागिन की चाल दूसरी नागिन ना समझे। लानत है तुम्हारे फन पर। खुद सोचो, समझने की कोशिश करो। क्या हो सकती है मेरी चाल? अच्छा तो सुन, अब की बार मैं तुझे ऐसा फंसाऊंगी कि तू खुद रोते हुए ये घर छोड़ के भाग जाएगी। मैं तुझे यहां तेरे प्यार से अलग करने आई और वो मैं करके रहूं। ईमान से डस लूंगी। वो तो वक्त ही बताएगा। मुझे बस एक सही मौके की तलाश है और वो मौका मिलते ही तुम। अभी तो मैं जा रही हूं, पर भूलना मत,
तेरी हर हरकत पे मेरी नजर है। क्या ये सब जाल जिसमें तू फंस चुकी है? सुरसुरी, ये बोरी देख रही हो? अभी मंत्रित है। जैसे ये बोरी तुम्हारे फन पर पड़ेगी, अगले ही पल तुम मेरे वश में आ जाओगी। चलो, अब नागिस्तान वापस जाने का वक्त आ गया है तुम्हारा। मुझे भी यहां से भागना पड़ेगा। जा। अच्छा, दरवाजा खोलो। आई बब्बन जी। क्या है? इच्छा, तुम कर क्या रही थी दरवाजा खोलने में इतना वक्त? बब्बन जी, आप भी ना हमेशा घोड़े पर सवार रहते हैं, अब दो मिनट रुक नहीं सकते थे? ऐसी कौन सी आफत आ गई जो आप? आफत ही आई है, वो भी तुम्हारी वजह से। इच्छा, तुमने भाभी और माँ से क्या कहा? कुछ भी तो नहीं। कुछ भी तो नहीं, लेकिन वो तो कह रही कि तुमने उनसे उल्टी सीधी बातें की, उनका काम बिगाड़ा है। बबल जी, आपको लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? नहीं, लगता तो नहीं है, लेकिन बबल जी, जरूर किसी ने आपके कान भरे। मैंने किसी से कोई उल्टी सीधी बात नहीं की। हाँ, हल्की सी अनबन हुई थी, लेकिन वो भी बातों बातों में बात बढ़ गई। और कैसे कैसे? अच्छा, मेरा मतलब है कि मुझे तुमसे तो ये उम्मीद है ही नहीं। अच्छा, आज तक तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ है, लेकिन तुमने कभी भी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है, बातों बातों में भी बात को बढ़ने नहीं दिया, तो फिर आज कैसे? पप्पल जी, मैं भी इंसान हूँ, आखिर मेरी सहनशीलता की भी एक हद है। आज हद पार हो गई तो मैं। लेकिन अच्छा, तुम माँ और भाभी से इतना प्यार करती हो, उनकी इतनी इज्जत करती हो तो? बिल्कुल करती हूँ, क्योंकि वो दोनों मेरी अपनी है। लेकिन बब्बल जी, जहाँ अपनापन होता है वहाँ लड़ाई झगड़ा भी तो होता है। हम जिस अधिकार से प्यार करते हैं उसी अधिकार से नाराज भी होते हैं। अब हम दोनों को ही देख लीजिए, हम कम झगड़ते हैं क्या? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अच्छा बबल जी, आप माँ जी और दीदी की चिंता मत कीजिए। अगर वो मेरी वजह से नाराज हुई है तो उन्हें मैं ही मनाऊंगी। पक्का? पक्का, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। असल में इससे पहले ही ठीक हो चुका होता अगर आप ऐन वक्त पर आकर दरवाजा ना खटखटाते। इच्छा, तेरी चाल तुझ पर ही भारी पड़ी है। सुरसुरी हाथ में आई नहीं, उल्टा माँ जी और दीदी नाराज हो गई, कैसे मनाऊंगी अब उन्हें? फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।